जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा कि मैंने बहुत सारा मेकअप शॉपिंग करी है 1 करोड़ रुपए की, जस्ट किडिंग। तो आज हम उनको रिव्यू करने वाले हैं, जो जो मैंने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। मैं आपको आज अप्लाई करके एक्चुअल मेकअप करके दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या है, और इतना महंगा खरीदा है तो वर्थ इट है कि नहीं है। सो दिस इज नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। स्पॉन्सर्ड मिल जाए तो अच्छी बात है, पैसा आएगा, बट नो, बट इट्स अ जेन्युइन रिव्यू वीडियो, तो आई एम गोना पुट माई जेन्युइन रिव्यू ऑन दिस वीडियो। सो आई बॉट लॉट ऑफ थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डियोर, आप देख सकते हो डियोर का फाउंडेशन लिया। आई एम सुपर एक्साइटेड टू अप्लाई दैट ऑन माई फेस, ऑल दो वहां जाके मैंने खूब अप्लाई कर लिया था। बट मेरा वैसे शनैल का फाउंडेशन चाहिए, बट मेरे को उसको मेरा शेड नहीं मिला, तो मैंने कहा डियोर का भी मैंने अच्छे रिव्यू सुने हैं, तो आज हम डियोर का भी लगाने वाले हैं। एंड आई बॉट समथिंग फ्रॉम रेयर ब्यूटी ऑल्सो, सो आई एम गोना अप्लाई दैट टुडे। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मैंने ना कभी, मेरे को ना अभी रिसेंटली पता चला है कि ना मेकअप से पहले आपको सिरम भी लगाना होता है। तो मुझे लगा था सिरम ओनली किस चीज के लिए होता है, कि रात को आपका नाइट केयर रूटीन के लिए होता है, बट दिस इज लाइक आई डोंट नो डूड, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मेकअप लगाने से पहले आपको सीरम लगाना पड़ता है भाई। तो उससे अच्छा ग्लो आता है, जो मेरे को बताया गया कि उससे अच्छा ग्लो आता है, और आपकी स्किन केकी नहीं होती है, जो कि हो जाती है पैची पैची से हो जाते हैं ना, वो नहीं होता है। सो टुडे आई एम गोना यूज ओसी ग्लो सीरम। ये है 2250 रुपीज, वेरी एक्सपेंसिव शिट, इतना महंगा है भाई ये। तो आज हम ये वाला सीरम यूज करने वाले हैं। राइट नाउ मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, नो सनस्क्रीन, नो नथिंग, बस या टोनर लगाया था, दैट्स इट। दिस इज मी विदाउट मेकअप, नाउ यू विल सी मी विद मेकअप। आज ही खुलेगा नहीं भाई। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट विच वी गोना अप्लाई, और बेस रेडी कर रहे हैं हम लोग। सो फैंसी बॉटल, एक्चुअली मुझे लगा सीरम की तो वैसे घच घच वाली बॉटल होती ना वैसी, बट इट्स वेरी फैंसी बॉटल, नाइस। प्राइस पैसा भी तो उतना ही महंगा लिया ना उन्हें। ओके सो लेट्स पुट सम सीरम ऑन माय फेस। शुड आई अप्लाई लाइक डायरेक्ट ऑन माय फेस? आई थिंक मैं ज्यादा ले लिया प्रोडक्ट, आई डोंट नो, आई एम सो बैड इन दिस, बिकॉज पहली बार मैं सीरम लगा रही हूँ मेकअप से पहले, तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड ऑल्सो, एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। सो दिस इज द सीरम, स्मेल वेरी बेसिक और वेरी नॉर्मल स्मेल, ऐसे नहीं बहुत इतना एक्सपेंसिव नहीं स्मेल कर रहा है। माथे में तो एज यूजल मैं मेकअप नहीं करने वाली हूँ, मेकअप बचाओ, पैसा बचाओ डूड, पैसा बचाओ। लुक एट माई फेस डूड, इट्स सो रेडिश। तो वी डिड द सीरम वाला थिंगी, नाउ विल पुट द सीरम फॉर लाइक वाइल, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, मैंने पहले भी अपनी मेकअप वीडियो में बोला है कि उसको थोड़ा ऑब्जर्व होने दो अपनी स्किन में, तभी आप कुछ और अप्लाई कर सकते हो। और ये तो वैसे भी सीरम है, इसका बहुत ही जेल टाइप्स में था, और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल मेरे हाथों में तो बड़े अच्छे से वो घुल गया, मिल गया, व्हाटएवर इट इज। तो अब देखते हैं मेरी स्किन में भी हो रहा है। सो पहली बार मैंने सीरम यूज किया है, तो लेट्स सी इसका क्या रिव्यू रहेगा। ठीक है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरी स्किन पे, मतलब मुझे वैसे सच बताऊं तो कुछ फील नहीं हो रहा, तो लेट्स सी, वेट फॉर इट। इसका ही हम सेम, बिकॉज ये वाला ये हो जाता है आपका स्किन केयर रूटीन में आ जाता है, तो इसके बाद हम लगाएंगे ये वाला मॉइस्चराइजर। इसी का है, ओसी ग्लो का वाटर क्रीम है। ठीक है, ये पोर कंट्रोल है, जिससे मेरे पोर है, एक्ने कंट्रोल है, एंटी एजिंग है, एंड अल्ट्रा हाइड्रेशन है, विच इज अ गुड थिंग। लेट्स सी, बिकॉज इसका प्राइस है 2650 रुपीज, वेरी एक्सपेंसिव। तो लेट्स सी कि अंदर से कैसा दिखता है। वैसे उन्होंने मुझे दिखाया था खोल के, उन्होंने बोला कि इट्स वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी जेल फॉर्म में है, फैंसी बॉटल अगेन, फैंसी। ओके, खुला ही नहीं है, सूखने लग गई पहले। ओह लुक लुक एट दिस, सो फैंसी डूड, वाओ, लुक्स रिच, वेरी रिच। बट हम तो भाई, हम तो रिच नहीं है, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से, हम तो ढक्कन वाला पहले लगाएंगे। तो आई थिंक या, सो आई एम गोना अप्लाई दिस। दिस इज अ मॉइस्चराइजर, वेरी, यू डर्टी माइंड, आई नो, दिस इज वेरी डर्टी माइंड यू हैव, लाइक ओके
आई एम अप्लाइंग दिस, दिस इज अ मॉइस्चराइजर। उसके बाद हम लगाएंगे सनस्क्रीन। मैंने एक्चुअली सनस्क्रीन खरीदी हुई थी वहां पे सैरावे का और मैं भूल गई, और मैं लिटरली भूल, बहुत ठंडा सा फील हो रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट स्किन पे, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इट्स प्रॉपर जेल डूड, इट्स नॉट इवन फील लाइक अ क्रीम, देख सकते हो उसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसे जेली फॉर्म में है। उन्होंने बोला आपकी स्किन के लिए बेस्ट है बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन। तो गाइज अगर आपकी जो स्किन होता है ना उसी के हिसाब से मेकअप खरीदना, ये नहीं कि जो मैं दिखा रही हूँ वही आप खरीद लो, क्योंकि स्किन टू स्किन पर डिपेंड करता है। उन्होंने मेरी स्किन देखी तो उन्होंने बताया कि आपकी स्किन को यही होगा। वाओ मेरी स्किन थोड़ी ग्लो कर गई है इसको लगाने के बाद, मतलब इसमें थोड़ा ग्लोई इफेक्ट है। तो ये बोल रहा था ग्लोई इफेक्ट तो एक्चुअली है गर्ल, फैक्ट है। तो ये मेरा ऑलमोस्ट स्किन केयर हो गया रेडी, और क्योंकि अभी इसको थोड़ी देर और रखना है। मैंने काफ़ी सारा मेकअप एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें खरीदी है बिकॉज आई नीड टू अपडेट माई मेकअप। काफ़ी टाइम से मैं वही सेम घिसा पिटा मेकअप यूज़ कर रही थी। आपको पता है वैसे तो मैं नार्स का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, बट मेरे को था कि एक एक्स्ट्रा अलग सा फाउंडेशन भी यूज़ करना चाहिए। आई लव नार्स बिकॉज उसकी कवरेज काफ़ी अमेजिंग है, बट आई थॉट वाई नॉट लाइक वी शुड ट्राई अदर डिफरेंट मेकअप ऑल्सो। और लोग कहते हैं कि उसमें मिक्स एंड मैच करके तो और माशाल्लाह निकलता है। और ये मैंने नेटफ्लिक्स में सीखा था साक्षी से, आपने मेरा शो नहीं देखा होगा तो मुझे, साक्षी ने मेरे को बताया था कि हर मेकअप को उसका मेकअप फ्लॉलेस होता था। तो उसने मेरे को बताया था कि हर मेकअप को अप्लाई करने से पहले आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना देना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन, बट इसको आप देख सकते हैं बहुत ही ग्लॉसी सा वो है, इसका मॉइस्चराइजर बहुत ही ग्लॉसी सा है। इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मैं खरीदना वहां से भूल गई थी, तो मैं जनरली इस ये मेरे को ना एक्चुअली डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट करी थी, तो सेम आई एम नॉट सजेस्टिंग यू दिस सनस्क्रीन बट इट्स गुड फॉर माई स्किन। तो ये एस पी एफ 50 सनस्क्रीन है मेड रेस का, जो कि बहुत ही जेल फॉर्म में है। तो मतलब इसमें कोई टिंट विंट कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी लाइक वेरी नॉर्मल, लाइक इसमें कुछ भी टिंट विंट नहीं है, तो गुड। मतलब आप, मुझे लगता है मैं जो आप जो नीचे अपने बेस पे लगाते हो, वैसे तो मेरे पास सेटाफिल का सनस्क्रीन है जो कि मैं नॉर्मल डेज में यूज करती हूँ, बट अगर हम अपना अच्छा मेकअप कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें थोड़ा टिंट है, तो टिंट वाला आप में लगाना चाहिए। इसकी भी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, लिटरली मेरी स्किन ऐसे ग्लो कर रही है भाई, जैसे ग्लास स्किन हो बट बहुत सारे स्पॉट्स के साथ। ओह माय गॉड, बहुत सारे स्पॉट्स के साथ। बट या दिस इज माय सनस्क्रीन। ये तो बिल्कुल वैसे डर्मेटोलॉजिस्ट वाली स्मेल करती है। अब सनस्क्रीन लगाने के बाद इसको ऑब्जर्व करेंगे। आफ्टर दिस आई जनरली अप्लाई कंसीलर एंड आई बॉट टार्ट कंसीलर बिकॉज इसका सबसे अच्छा कंसीलर कहते हैं, क्योंकि इसकी कवरेज बहुत अच्छी है एंड आई हैव इट ऑलरेडी। You can see I have it. I think I bought the same. No, I have this one. It's like lighter shade. Mein. I think dono shade bahut alag hai. Ye bahut lighter shade. I think so. I'm not sure. Haan, 22N and this is 35N. Okay, thoda sa isse halka sa dark shade mein hai. Toh I would love to see this, but I have to apply and see ki kya magic karta hai concealer. Oh, वैसे by the way, भूल इतने जाती हूँ ना. Next product है प्राइमर, और आप लोगों को पता है कि बेस्ट प्राइमर जिसको कहते हैं वो इसका है प्रोफेशनल का। प्रोफेशनल का प्राइमर सबसे बेस्ट बोलते हैं, बट ये इतनी सी जो देख रहे हो ना आप, ये मतलब इसमें हार्डली 7.5 ml है इसके अंदर। लुक एट दिस, लाइक इट्स टू स्मॉल। और इसका प्राइस बता दूंगी, वो कुछ भी नहीं है भैया इसके अंदर, 7.5 ml। और ये है हमारा 1340 रुपए का, ये छोटी सी बॉटल। भाई मेकअप बहुत महंगी चीज है भाई, बहुत ज्यादा महंगी, बट इसको कहते हैं कि बेस्ट है ये, आपके पोर्स के लिए सबसे बेस्ट प्राइमर है, लाइक द बेस्ट वन। ये तो कोई भी स्किन के लिए आई थिंक बेस्ट ही है। तो इसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा टिंटेड सा है, ठीक है, बट लेट्स सी, बट ये स्किन पे नहीं रहता टिंटेड सा, आई थिंक सो। या जो टेक्सचर है वो बहुत ही मैट फिनिशिंग से इसका टेक्चर है, एटलीस्ट टच करने पे भी बहुत मैट। अभी तक जो भी मैंने चीजें लगाई वो सारी ग्लॉसी थी, इसकी बहुत मैट फिनिशिंग है, बहुत ज्यादा नाइस।
अब मैं लगाने वाली हूँ अपना न्यू टार्ट का कंसीलर, जो कि थोड़ा सा डार्क शेड में है, जो मैं हमेशा लगाती हूँ उससे हल्का सा, जबकि उन्होंने मुझे मेरे स्किन टोन से एक लाइटर शेड दिया है. सो आई हैव टू अप्लाई एंड लेट्स सी. सो कंसीलर हम लगाएंगे इस नए ब्लेंडर से, और ये है सैटिन स्पॉन्ज, इलिगारो ब्यूटी का है ये. ठीक है, ये मैंने आई थिंक 1000 रुपए का खरीदा था ये ब्यूटी ब्लेंडर. ठीक है, मेरे को बस पसंद आया बिकॉज इसके साथ ये अंडे वाली कवरेज है. आई लाइक ब्यूटी ब्लेंडर मोर देन ब्रश, बिकॉज इससे क्या होता है ना, मेरी फेस, जैसे मैंने बताया आपको मेरा मेकअप केकी हो जाता है, तो इसको अगर 5 मिनट तक, जो कि हैक मैंने आपको बताया था पहले भी, तो ये 5 मिनट तक अगर आप इसको ब्लेंड करते रहो ना, तो आपका मेकअप केकी नहीं होता है. सो लेट्स सी कि ये कैसा है. इट्स सुपर सॉफ्ट, बट मैं अपने ब्लेंडर को, अगर जैसे आपको अपने ब्लेंडर में अच्छे से यूज करना है ना, इसको गीला कर दो, फिर ये और बड़ा हो जाएगा. सो लेट्स डू दैट. सो गाइज, अभी आप देख सकते हो मेरी टॉप से मैच कर रहा है, और इसका साइज भी काफी बड़ा हो गया है. बाय द वे, ब्यूटी ब्लेंडर में भी 2 तरह के ब्यूटी ब्लेंडर आते हैं, मुझे वही स्टोर में जाके मेरे को मेकअप के बारे में ना धीरे धीरे पता चल रहा है, वही मैं आपको बताती हूँ. ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही नॉलेज हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, नहीं भाई, मैं सीख ही रही हूँ. मेरे को पता भी नहीं था सिरम लगाना पड़ता है पहले मुंह पे. तो ये ब्यूटी ब्लेंडर में अलग 2 टाइप के आते हैं, एक ये वाला था और एक में छोटे छोटे स्पॉट होता है. आई डोंट नो भाई, मुझे फर्क भी नहीं पता क्या होता है दोनों में. मैंने को ये बोला रिया ने खरीदने के लिए, तो मैंने ये खरीद लिया. सो वी गोना अप्लाई सीलर फर्स्ट एंड आई यूज माई ब्यूटी ब्लेंडर, माई न्यू ब्यूटी ब्लेंडर, एंड आई एम गोना यूज दिस टार्ट का कंसीलर. दिस इज फॉर हाउ मच, लेट मी सी, दिस कंसीलर इज 2300 or 2600 का ही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इसमें लिखा नहीं है. हाँ, ये 2300 or 2600 का है कंसीलर, लाइक एक्सपेंसिव श्रेड, बट इट्स लाइक बेस्ट वन. सुनने में यही आया है कि टार्ट का कंसीलर बेस्ट होता है. मुझे साहिल ने बताया था कि इसका कंसीलर बेस्ट होता है. भाई मुझे लगता है ना ये थोड़ा, आई डोंट नो, मैच कर रहे हैं आप लोगों को लगता है? पता नहीं लगा सकते, महंगा प्रोडक्ट है. जिसके लिए मैं जैसे अपने सारे रेड स्पॉट है ना उस पर लगा रही हूँ, उसको कंसील करने के लिए. कंसीलर आप बाय द वे मेकअप फाउंडेशन के बाद भी लगा सकते हो, बिकॉज पर मुझे आई प्रिफर पहले. तो वी गोना ब्लेंड दिस कंसीलर नाउ. आप लोग देख सकते हो कंसीलर आई थिंक एक आपके स्किन टोन से एक शेड लाइटर ही होना चाहिए. आई एम नॉट श्योर भाई, आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, आई डोंट नो भाई, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ जो मुझे लगता है. बहुत प्रोडक्ट खाता है बाय द वे ब्यूटी ब्लेंडर, बहुत ज्यादा. दिस इज द डिफरेंट, काफी फर्क पड़ गया. मेरी काफी रेड रेड सी स्किन दिख रही थी, वो दिखना बंद हो गई है. आई ऑनेस्टली लव दिस शेड, बिकॉज ये शेड मेरे को सूट कर रहा है. जो वो वाला शेड है ना जो मेरे पास पड़ा हुआ, बहुत लाइट है मेरे स्किन के लिए, बट ये शेड बहुत ही परफेक्टली मेरे स्किन पे मैच कर रहा है. सो वी गोना यूज डियोर फाउंडेशन टुडे, जो कि है 51 या 5100 आई थिंक 5500 का है. नार्स इससे थोड़ा महंगा है, वैसे नार्स इंडिया में मिलता भी नहीं है. दिस इज द पैकेजिंग डियोर, लेट्स ओपन दिस. दिस इज फॉर एवर डियोर, ओके. और इसके शेड है 2W वॉर्म मेरे स्किन के हिसाब से, बिकॉज मैंने वहां पे अप्लाई भी करी थी. दिस इज द बॉटल, not that fancy, but yeah, it's okay, fine, it's Dior. I love this one. So we're gonna pump. First pump, देखते हैं इसका कैसे निकलता है. इसका एक एक पंप मेरी जान में आ रही थी कि भाई ये मेरी जान निकलती है ना वैसे. समा मुझे लगता है कि मेरा इसका शेड ज्यादा लाइटर है, कंसीलर से ज्यादा लाइटर लग रहा है इसका शेड मुझे. आई डोंट नो भाई, इन्होंने मुझे पकड़ा दिया. सो इसकी ना कवरेज बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे बोला कम कम यूज करना, और मैंने बहुत ज्यादा ले लिया बिकॉज पंप में बहुत ज्यादा निकल रहा था. उन्होंने बोला इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, मतलब थोड़े से भी आपका पूरा फेस हो जाएगा कवर. तो लेट्स सी, बट मेरा ब्यूटी ब्लेंडर भी तो खाएगा, 1 किलो मेकअप तो इसको भी लेना ही है. बट ट्रस्ट मी बेस्टीज, जो मैंने अभी जो स्किन रूटीन करा है ना, उससे मेरी स्किन पे ना बहुत अच्छे से ना ऑब्जर्व हो रहा है मेकअप, एंड आई रियली लाइक इट. आई कैन सी द फकिंग डिफरेंट यार, मेरे को डिफरेंसेस दिख रहे हैं. वैसे इन जनरल बड़ा वो हो जाता है ड्राई ड्राई सा, बट नाउ
बहुत अच्छे से ना मेरे स्किन को ऑब्जर्व कर रही है। और जितने मैंने अभी इतने में एक साइड में कर लिया ना, इतना करने के लिए तो मुझे कम से कम 5 मिनट तक डैब डैब करना पड़ता है। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट खाया है इस ब्यूटी ब्लेंडर ने, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा। दिस इज एग्जैक्ट माई फेस कलर फाउंडेशन, ठीक है, बिल्कुल मेरे एग्जैक्ट मेरी स्किन। मैंने से ना कोई लाइटर शेड वैसे कुछ नहीं खोला, बिकॉज आजकल जो ट्रेंडिंग है वो आपकी स्किन के हिसाब से ही है। तो मैंने कहा भाई मुझे मेरी स्किन के हिसाब से ही देना। ये एकदम अच्छे से घुल गया मेरी स्किन पे बिकॉज ऑफ द स्किन रूटीन आई डिड। तभी कहते कि इंपॉर्टेंट होता है, आई कैन सी द डिफरेंस। भाई मैं जब ब्लेंड कर रही थी मुझे उसी में पता चल गया था। ना कॉन्टूर नहीं खरीदा, मैं खरीदी थी ब्रॉन्जर बट मैंने नहीं करा। मैंने कहा आई हैव दिस वन द क्रीमी शेड वन, आई हैव द पाउडर वन। एक्चुअली मैंने बोला गर्मी में पाउडर वन इज बेटर, सो वी गोना अप्लाई द फैंटी वन जो बेसिकली मैं हमेशा यूज करती हूँ। सो माई कॉन्टूर इज डन एंड आई एम गोना बेक माई फेस। तो मैंने पाउडर पफ लिया है इसका, एक्चुअली उन्होंने बोला कि सबसे बेस्ट रहता है बिकॉज मैं ना कुछ भी यूज करी, ब्रश यूज करी थी, बट आई हर्ड दिस वन इज द बेस्ट वन फॉर द लाइक योर फॉर बेकिंग के लिए। आई थिंक इसको ऐसे यूज करते हैं, आई डोंट नो इवन हाउ टू यूज दिस। सो फॉर बेकिंग आई एम गोना यूज रिकमा, आई गेस यही प्रोनाउंस है। ये सबसे बेस्ट वाला है, मुझे साहिल ने सजेस्ट किया था, इट्स द बेस्ट वन। यस, नोज कॉन्ट्रोल में थोड़ी दिक्कत हुई थी बट वैसे इधर के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है ये, रियली लाइक इट। सो बाय द वे आई बॉट दिस ब्रश फॉर माय कॉन्ट्रोल, जो पाउडर कॉन्ट्रोल के लिए बड़ा क्यूट सा ब्रश है, और आई थिंक इसी नोज कॉन्ट्रोल भी हो जाएगा बट मैं भूल गई थी इसको यूज करना। आई बॉट दिस ऑल्सो, दिस इज ब्यूटीलिशियस, ब्यूटीलिशियस का है ये। And I bought this in 750 rupees, which is a cute. I really like this brush. मतलब काम आएगा कभी ना कभी, I'm not sure. Now let's remove my baking powder and let's see the magic. भाई वैसे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सच बता दूँ। I like my skin. It's look very natural. I like all the products. Very natural. वेरी वेरी नेचुरल, बहुत ही सटल सा है, ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल ही ऑड सा नहीं है, वेरी सटल। सो नाउ वी गोना फिक्स दिस मेकअप विद दिस फिक्सर, मैंने सुना ये बेस्ट वन है, लाइट वेट ब्रीदेबल, ठीक है। दिस इज अप ऑल नाइट लॉन्ग लास्टिंग मेकअप सेटिंग स्प्रे, अप ऑल नाइट है ये, और ये बहुत महंगा था भाई। ये मैंने कितने का लिया था, दिस इज लाइक 3500 और 3000, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई हैव टू चेक द बिल। अप्लाई स्मेल लाइक एल्कोहल, कोई अच्छी खुशबू नहीं आ रही इसमें से। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रे ब्यूटी, बिकॉज वी आर सपोर्टिंग सेलेना गोमेज। और ये है क्या, ये बताओ, इट्स अ ब्लश, ठीक है, बहुत अच्छा है, सॉफ्ट पिंच ब्लश लिक्विड फ्रेज, इट्स अ लिक्विड ब्रश, ओके। और ये मैंने खरीदा था 2900 रुपीज का, वेरी एक्सपेंसिव। लुक एट द बॉटल, वेरी क्यूट, ऑब्वियसली इट्स लाइक अ सेलेना गोमेज, वेरी क्यूट वन। तो आई एम गोना यूज दिस वन, और ये मैंने वहां पे ट्राई किया था। एक्चुअली इसकी फिनिशिंग ना बहुत अच्छी है, इसकी फिनिशिंग काफी अच्छी है, इसकी फिनिशिंग बिल्कुल ही, इट्स ट्रस्ट मी इट्स लुक्स लाइक कि ये एकदम आपका नेचुरल ब्लश है। दिस वन See, बहुत ही नेचुरल इसकी फिनिशिंग है, मुझे बहुत पसंद आया इसका। मैं लिप बाम वगैरह भी लेने गई थी बट सब सोल्ड आउट हो चुका है, वेस्टीज सब खत्म हो चुका है। आई जस्ट लव दिस ब्लश, लाइक दिस ब्लश इज सुपर, मतलब इसका कलर ही बहुत अलग है, लाइक इट्स नॉट लाइक अदर ब्लश, इट्स वेरी डिफरेंट। सो आई डोंट नो, आई एम लविंग दिस, आई लव यू सेलेना गोमेज, यू आर द बेस्ट। बिकॉज मैंने रेयर ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है कि दे हैव लाइक अमेजिंग प्रोडक्ट्स, एंड आई एक्चुअली दिस इज सो गुड, वाओ। आई बॉट फ्यू लिपस्टिक्स, ज्यादा नहीं, आई थिंक मैंने 3 लिपस्टिक्स कर दी है, 3 लिपस्टिक्स कर दी है, और आई थिंक आई एम डन विद ऑल द प्रोडक्ट्स। सो यार 3 लिपस्टिक्स आई बॉट इट। सो फर्स्ट दिस इज अ कलर बार का लिप लाइनर, बिकॉज यू नो दैट आई लव टू ओवर लाइन माई लिप्स। दिस इज रेवलॉन का ब्राउन कलर की लिपस्टिक, दिस इज कलर स्टे सैटिन वाला, दिस इज वेरी नाइस, आई लव द शेड। मैं खोल के दिखाती हूँ, दिस वन इज ओनली 1000 रुपीज विच इज अ गुड डील। सो
दिस इज द कलर, इट्स सो गुड. सो आई एम नॉट, टुडे आई एम नॉट अप्लाइंग दिस वन, बट या Revlon की दिस इज द लिपस्टिक, इट्स वेरी नाइस. इट्स अ लिप ग्लॉस एक्चुअली, नॉट प्रॉपर लिपस्टिक. कलर स्टूडियो का ट्रेस मैट चैम्बर, बट बिकॉज ये लिपस्टिक का क्या था ना, ये तो मेरे को लेनी थी. ये था 795, मतलब ऑलमोस्ट 800 रुपीज. ये मैंने मम्मा के लिए शेड में खरीदा और मुझे इतना पसंद आया, मैंने कहा मम्मा वाला मम्मा के लिए, मेरा वाला मेरे लिए. तो मैंने ये दो खरीदे थे, एक मम्मा के लिए और एक अपने लिए. मम्मा वाला ले गई अपना, और ये वाला. दिस इज द कलर, वेरी क्यूट कलर. लाइक आई एम टेलिंग यू, जस्टिस नहीं हो रहा है इसके साथ यहाँ पे, बट इट्स लाइक वेरी नाइस कलर. आई बॉर्डर द एक्सपेंसिव वन, दिस इज फैंटी ब्यूटी. बेसिकली मुझे ना डियोर का वो चाहिए था, वो एकदम ग्लॉसी वाला, शाइनी वाला ग्लॉस है ना, मुझे वो चाहिए था, बट वो नहीं था अवेलेबल. तो ये मैंने लिया है फैंटी का ग्लॉस. दिस इज फॉर 2300 रुपीज, एंड दिस इज द शेड इज हॉट चॉकलेट 0.05, द ब्राउन लिप ग्लॉस. फैंटी डूड. सो पहले हम अप्लाई करते हैं लिप लाइनर. वेरी स्मूद, लव इट. सो वी गोना अप्लाई नाउ फैंटी ब्यूटी, बट आई वॉन्टेड दैट शिमरी वन, दैट वाज लाइक सो प्रिटी. आई एम गोना अप्लाई, स्मेल्स लाइक चॉकलेट. ओह माय गॉड, लुक सो हॉट. I just love it, dude. So, oh my god, look at my lips. It looks so plumpy. Oh my god. Product, dude. This is. इसीलिए मैं कहती हूँ महंगी lipsticks की ना बात ही अलग है. Look at my lips. It's like मैंने lip वो कर lip fillers करवा रखे हैं. इतना amazing लग रहा है, dude. Now I'm gonna apply this eyeliner. This is makeup forever का है coloring. ये 2300 का था. एक्सपेंसिव अगेन. एक्चुअली मैं, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी मम्मा के साथ रेटिंग माई परचेजेस, तो उसमें मैंने ये खरीदा था, तब खरीदा था. ये इन सारा प्रोडक्ट के साथ नहीं करा था, बिकॉज आई नीडेड अ गुड लाइनर, एंड ट्रस्ट मी इज वेरी नाइस, इट्स अमेजिंग. बिकॉज मैं लैशेज करवाती हूँ, तो आई जस्ट वॉन्टेड ऑन माई एज. नाइस, या दिस इज माई मेकअप. मैंने शिमर नहीं खरीदा बिकॉज मेरे पास है मैक का, बट ओ माई गॉड, इट लुक्स फ्लॉलेस. Let me show you a not natural light. This is a ring light, okay? I'll try to show you a not natural light. And look at this. ये natural light में और बहुत ही flawless लग रहा है मेरा makeup, because I love the shade. एकदम मेरी skin tone से बिल्कुल match है shade. Just love it. I just love this product, dude. I'm just loved all the products. Every product was worth it for me. जितना भी मैंने पैसा लगाया, it was very expensive products, but you know. अच्छी, मैंने पहले भी बोला है मेकअप अच्छा अप्लाई करो अगर आपको अच्छा फ्लॉलेस स्किन चाहिए, बिकॉज मेकअप दिखता है, यू नो, एक्चुअल में दिखता है. तो यू नीड टू पुट लाइक गुड मेकअप फॉर योर स्किन ऑल्सो, एंड वैसे भी, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप ज्यादा देर तक रखे और फ्लॉलेस लगे. एंड आई लव माई मेकअप राइट नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग बेस्टीज, आई लव यू ऑल, आई होप यू लाइक माई प्रोडक्ट्स. लेट मी नो कॉमेंट सेक्शन में कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा. बाय.